सोलन जिला में पिछले कल 20 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें 17 मामले केवल अर्की के आए हैं। यहां सभी कोरोना संक्रमित JNV स्कूल कुनिहार के छात्र हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया है और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण अब अधिकतर शिक्षा संस्थानों में पांव पसार रहा है। सोलन का नर्सिंग कॉलेज कंडाघाट पॉलिटेक्निक की छात्राएं भी कोरोना से ग्रस्त हो चुकी हैं। अब इनके बाद अर्की स्कूल के छात्र पॉजिटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन सोलनवासी कोरोना को अब हल्के में ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, ये तो सोलनवासी पूरी तरह भूल चुके हैं। हाथ मिलाना और गले मिलना भी परंपराएं फिर से आरंभ हो चुकी हैं। शायद शहरवासियों को लग रहा है कि वैक्सीनेशन लगवा के वे पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं और अब उन्हें कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन समूचे भारत में अभी भी मामले आ रहे हैं और लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उपल ने बताया कि कुछ दिन पहले अर्की के स्कूल के विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 3 छात्र पॉजिटिव आए थे। ये तीनों छात्र बाहर से आए थे, जिसके बाद अन्य 95 छात्रों का टेस्ट करवाया गया, जिनमें 17 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी छात्र अभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि संक्रमित बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया है और स्कूल को मिनी कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। सभी एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि संक्रमण ना फैल सके। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी कोरोना नियमों का अनुसरण जरूर करें। ये JNV स्कूल में पहले 3 बच्चे पॉजिटिव आए थे, बाहर के आए थे वो बच्चे, और उसके बाद उनके टेस्ट करवाए गए, वो पॉजिटिव आए। तो अब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई कल, तो 93 केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, जिसमें कि 17 पॉजिटिव आए हैं। और आज बाकी स्कूल के उन बच्चों को तो आइसोलेट कर दिया गया है, स्कूल को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी गई है। सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक है, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, और बाकी स्कूल की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है।